सूबे में बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील कुमार के ऊपर एक कथित महिला द्वारा लगाए गए संगीन आरोपों के बाद अब बीजेपी में भी इन आरोपों को लेकर जांच करने और कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इन्हीं बातों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने भारत खबर के साथ खास बातचीत करते हुए पार्टी का पक्ष रखा और साफ किया कि पार्टी का अनुशासन सर्वोपरि है। जनता पार्टी अजय भट्ट जी हैं, हम कुछ सवाल हैं जिन सवालों को लेकर इनके सामने हैं। सर, अभी भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी के ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, इस पर क्या कहते हैं? जैसे ही संगठन के संज्ञान में ये बातें आई हैं तो एक प्रक्रिया के तहत उसकी वास्तविकता जांचने के लिए सारे प्रयास चल रहे हैं। संगठन की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के आधार पर फिर हम लोग निर्णय करते हैं। आरोप किसने लगाया, कैसे लगाया, जो भी पत्र में आया है उसमें अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कई चीज़ों की जांच के बाद ही खुलासा होगा और नहीं कहीं पर कोई ऐसी प्रथम सूचना दर्ज हुई है। सर, समाचार पत्रों में एक चीज़ आई कि महिला भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों से मिली, उसने अपनी गुहार लगाई, लेकिन उसके बावजूद उसकी गुहार सुनी नहीं गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो है अनुशासन वो सर्वोपरि रहता है। नहीं, जब से वो मिली होंगी, यद्यपि मुझसे तो कभी नहीं मिली जी, इस किस्म से वो जहाँ जहाँ मिली होंगी बहन जी, जो भी होंगी, तो उन्होंने जो बताया होगा, यदि किसी को बताया है, मेरी नॉलेज में ये भी नहीं है, तो उस पर ज़रूर कार्रवाई हो रही होगी। यहाँ तो सिर्फ मात्र अखबारों में आने से मात्र हल्की फुल्की फुसफुसाहट भी होती है, तब भी इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि पार्टी संगठन सर्वोपरि है और चरित्र सबसे पहले नंबर पर रखा गया है। सर, जहाँ पार्टी की बात की जाए और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बार बार ये आता है कि महिलाओं का स्थान पार्टी में सर्वोपरि रहता है, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो क्या करेंगे? देखिए, ये तो हर समाज में होता है, कहीं पर कोई ये घटना सिद्ध अभी हुई नहीं है इसलिए इस पर बोलना नहीं है। अगर कहीं पर मैं किसी भी जगत की बात करूं, आपकी बात करूं, प्रेस की जगत में बात करूं, कहीं पर पत्रकारों पर भी कड़े लांछन लग जाते हैं, तो इसका मतलब क्या, पत्रकार का पवित्र जो ध्येय है वो गणेश शंकर विद्यार्थी से अलग हो सकता है क्या? बिल्कुल। तो उसी तरह से राजनीतिक दलों में भी लोग आते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, किसी पर आरोप लगते हैं, कभी वो आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो अगर उस पर कोई बात होती है तो उसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अगर किसी ने वास्तव में गलती करी है तो उसका फिर दिक्कत होती है। तो सर, आप ये मानते हैं कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो कार्रवाई? नहीं नहीं, वो तो निश्चित, आरोप सिद्ध होना, आरोप नहीं होना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। आरोप का एक अंश भी अगर सिद्ध हो गया, निश्चित कार्रवाई होगी, भयंकर कार्रवाई। मैं एक मिनट जरा धंधा का स्वागत कर लूँ पहले। आरोप हुए तो कार्रवाई होगी, बिल्कुल। ये बात कही है अजय भट्ट जी ने खुद भारत खबर के साथ। राजपूत के साथ अजस्त्र शुक्ला, देहरादून।